नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बी हेल्दी इंडिया चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हाइट ग्रोथ के बारे में। आप यकीन मानिए दोस्तों, सबकी हाइट लगभग 26 सालों तक बढ़ती रहती है, बट इसका प्रोसेस हर एक इंसान पे अलग अलग होता है। कुछ लोगों की हाइट 16 से 18 वर्ष के बाद रुक जाती है, बट कुछ लोगों की हाइट जो है कंटिन्यू बढ़ती रहती है 25 वर्षों तक। ऐसे 3 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जो 3 जरूरी बातें हैं जिनकी वजह से डिपेंड करता है आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। फर्स्ट, हार्मोनल रेगुलेशन, हेल्दी बोन्स और गुड फूड। मेक श्योर आप इस वीडियो को आज पूरा देखेंगे, क्योंकि आज कुछ मैं ऐसे सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं जो आपकी हाइट ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो करता है और जिन फूड्स को खाने से आपकी हाइट बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन फूड की लिस्ट बता देता हूं जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्स की। चिकन एग्स आपकी बॉडी की सहायता करता है आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में। एग्स में प्रचुर मात्रा में विटामिन भी पाया जाता है। इसके खाने से आपकी बॉडी सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एग्स में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपकी मसल को ग्रोथ करने के लिए ये बहुत लाभकारी होता है। आप दिन भर में जो भी शारीरिक परिश्रम करते हैं उसे करने के लिए आपकी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आप लंबा होना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। एग्स में एसेंशियल अमीनो एसिड्स और मिनरल्स पाया जाता है जो आपके हेल्दी बोन्स और फास्ट ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसमें मौजूद कैल्शियम, जिंक और आयरन भी होते हैं। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 1 से 2 एग ले सकते हैं या फिर आप डिनर में 1 से 2 एग ले सकते हैं, पर सावधान रहें, एग्स में सल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप इंश्योर करें कि कभी भी आप कच्चा अंडा ना खाएं, हमेशा अंडे को या तो बॉयल करके खाएं या बेक करके खाएं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा रेड मीट। रेड मीट भी एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ई, विटामिन B12 और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह आपके ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोडक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। इसमें जिंक बहुत ज्यादा पाया जाता है जो आपकी बॉडी सेल्स को इंक्रीज करता है और उसमें ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। आपकी बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करता है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज करता है और उसे अच्छा करता है। बट आप वीक में एक बार से ज्यादा रेड मीट का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें फैट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे आपका वेट भी बढ़ सकता है। थर्ड नंबर पे बात करें तो वेजिटेबल्स, रेड और ऑरेंज वेजिटेबल जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, सीताफल और टमाटर, इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डार्क ग्रीन और हरी पत्तेदार सब्जियों, इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत पाया जाता है। ज्यादातर सब्जियों में कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद होता है। इसके साथ में विटामिन के लिए आप पत्ता गोभी, पालक और ब्रोकली भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे विटामिन के स्रोत हैं। नंबर 4, वॉलनट। हाल ही में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि वॉलनट आपके बोन टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन ई, कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। आप वॉलनट को इवनिंग स्नैक्स में या फिर रात में सोने से पहले मिल्क के साथ में ले सकते हैं। नंबर 5, सी फूड। वैसे तो आप कोई भी सी फूड खा सकते हैं, बट अगर आप शेलफिश खाते हैं तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें एनर्जी विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, साथ में इसमें विटामिन B12 भी पाया जाता है। सी फूड एक हाई क्वालिटी प्रोटीन की स्रोत होता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जब आप सो रहे होते हैं। नंबर 6, हनी। हनी में सिंपल शुगर पाया जाता है जिसे बॉडी को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। हनी आपको एनर्जी से भर देता है और आपके इंसुलिन को भी प्रभावित नहीं करता। हनी आपके शरीर को वो सारे जरूरी मिनरल्स आपके शरीर को पहुंचाता है जो आपकी हाइट ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है जो आपके बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप शुगर की जगह पे हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं चाय, कॉफी या फिर दही के साथ में। नंबर 7, मिल्क। मिल्क के बारे में बताने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को डायबिटीज है वो मिल्क का सेवन ज्यादा ना करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसी हालत में उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो मिल्क सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसमें सारे जरूरी विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। आप एक दिन में 1 से 2 या ग्लास ले सकते हैं। इसमें आपको कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 8, बनाना। बनाना सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा प्रभावशाली फ्रूट है हाइट ग्रोथ के लिए। आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फ्रूट है। इसके विटामिन और मिनरल्स के ग्रेट सोर्स मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद सिंपल कार्ब्स तुरंत आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है जो आपकी बॉडी को तुरंत जरूरी पोषण तत्व से भर देता है और आपकी स्किन को सुंदर बनाता है। नंबर 9, ओट्स। ओट्स आपके हाइट ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मील है। इसमें वो सारे जरूरी विटामिन, मिनरल्स और
पोषण तत्व जरूरी पाए जाते हैं जो आपकी हाइट के ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसलिए पूरे दिन आपको एनर्जी से भर देता है। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, जिंक, आयरन और विटामिन ए, बी, ई और के होते हैं। ये सारे आपके हड्डियों और मांसपेशियों के टिश्यू को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। अवॉइड सम बैड हैबिट्स। दोस्तों, अगर आप अच्छी हाइट चाहते हैं तो आपको कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल और स्मोकिंग की। अल्कोहल और स्मोकिंग, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी हाइट को नुकसाने वाले तत्व पाए जाते हैं, तो इसका बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। इसमें बहुत सारे रिसर्च से पाया गया है कि ये हाइट को रोकने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। नंबर टू, स्वीट कार्बोनेटेड ड्रिंक, या फिर आप इसे कोल्ड ड्रिंक भी कह सकते हैं। इसमें मौजूद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो आपके बोन टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके बॉडी को जो जरूरी कैल्शियम चाहिए होता है, ये सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ पाती। शुगर और स्वीट्स। नंबर चार, फास्ट फूड और चिप्स आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आप उसे तुरंत खाना बंद करें। आप डेली खाने के एक रूटीन को बांध लें, आप उसी टाइम पे रोज खाना खाएं और कभी भी आप मील स्किप ना करें। खास तौर से आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, और जब भी आप खाना खाएं तो धीरे धीरे और खूब चबा कर खाना खाएं। आपको खाने में सॉल्ट, नमक कम खाना चाहिए, साथ में आपको वेजिटेबल, खीरा जैसे मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खाने चाहिए। और कम से कम डेली आपको 6 से 8 घंटे नींद लेनी है, और आपको रोज 6 से 8 ग्लास पानी भी पीना है। खाने के तुरंत बाद आप वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें, और वर्कआउट आपको रेगुलर करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा दें, और साथ में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। खुश रहें, सलामत रहें।